आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रुड़की में मां गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर गौरव गोयल पार्षद और भाजपा नेता के साथ साथ सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। रुड़की सलाने शमशान घाट में आशू किन्नर की ओर से मां गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना की गई है। मूर्ति स्थापना से पहले पूजा अर्चना की गई। वहीं कार्यक्रम में मेयर गौरव गोयल भी मौजूद रहे। देखिए, लगातार मैं समझता हूँ सभी लोग अपने अपने स्तर से सेवाएं करते हैं और आज सोलानी नदी शमशान घाट में बहुत माँ गंगा की पवित्र पावन मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। जो भी यहाँ पे देह आएगा उसको रख करके गंगा माता स्नान कराएंगे। बहुत सुंदर प्रतीत है। और हमारे ये जो आशु रावत जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे लगाई गई है। मंगू जी अपने समिति का काम देखते हैं, मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज की सेवा में लगे हुए हैं, आगे भी इसी तरह लगे रहें और मैं जिस लायक हूँ, भविष्य में भी जिस लायक रहूँगा, इन सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए तत्परता से खड़ा हूँ, मजबूती से खड़ा रहूँगा। इस शमशान घाट पर जो भी सौंदर्यकरण का काम हो सकता है वो हमने कराया है और जल्दी एक बाहर भूमि है उसको भी हमने, मेरी अपनी भूमि है उसको भी हम जल्दी अगले माह शमशान घाट को दान कर रहे हैं। जो आशु किन्नर जी ने यहाँ स्थापित की है ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसमें जो प्रयास हमारे ठाकुर साहब के भी हैं, उन्होंने मिलके आशु जी के साथ मिलके, और ये ऐसी देन एक दे दी रुड़की में। माँ गंगा मैया की मूर्ति शायद रुड़की में कहीं भी नहीं है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे वार्ड में और हमारे मोहल्ले में, हमारे शमशान घाट में यहाँ ये मूर्ति स्थापित की गई। मैं आशु जी का, राणा जी का, भाई जी का, सबका, समिति का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, इन्होंने ऐसा काम कर दिया रुड़की में जो अब तक किसी ने नहीं किया। वहीं झबरेड़ा मंगलौर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और खजानदास मौजूद रहे। फार्म हाउस में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल और सूर्यवीर मलिक भी वहां पर मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन चला जा रहा है, उसी के निमित्त आज झबरेड़ा विधानसभा में आज हमारा ये अनुसूचित जाति सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम हुआ है। आपने कार्यक्रम में देखा होगा पूरे प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। इतनी भारी मात्रा में आज जनसैलाब इस विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को आया और देखकर सभी लोग गदगद हैं। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उत्तराखंड में दोबारा विजय श्री प्राप्त होने वाली है और इस झबरेड़ा विधानसभा में भी हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में साधु संत और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों से सीएम ने सीधे संवाद स्थापित किया। हमारे सभी विद्वजन यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभी ने यहाँ पर आपस में मंथन किया है, एक संवाद किया है कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जाए। उस दिशा में सबके विचार आए हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको लेकर एक बोधिसत्व कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, विचारों की श्रृंखलाएँ, और इस आज के इस संवाद कार्यक्रम से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और उनको हम लोग राज्य के हित में लगाएंगे। और 2025 में जो हमारा लक्ष्य है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। देखिए, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, एक तरह से हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस 75वें साल के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम संघ परिवार विचार द्वारा कराए गए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और प्रमुखता से सभी हरिद्वार के संतगण, क्योंकि सभी संतगण जो हैं एक पूरे के पूरे राष्ट्र के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, हमारे संतगणों ने और मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पे संवाद और कुंभ के अंदर जो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने काम किया था उन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे एक मंथन कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों तक कुंभ में किए गए कार्य, कोरोना काल में जिन लोगों ने कार्य किए और उसके अलावा जो संतगण हैं उनका।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर साल के आखिरी दिन ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अभियान चलाया। आपको बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी और रावली महदूद में मेडिकल स्टोर की भरमार है। शिकायत पर पहुंची ड्रग फैक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस दौरान कई स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके से फरार हो गए। छापेमारी में अनीता भारती ने अवैध दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए। वहीं अनीता भारती ने स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया। जैसे कि रावली महदूद से लगातार मुझे कंप्लेंट मिलती रही है, आज भी मुझे यहाँ पर शिकायत मिली है कि यहाँ पर किसी मेडिकल स्टोर द्वारा जो है साइकोट्रोपिक दवाइयाँ जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टर की सलाह के दी जा रही हैं। इसी के क्रम में मेरे द्वारा अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया और एक ये यहाँ पर दुकान है जिस पर बाहर से कोई बोर्ड भी नहीं लगा है और मेरे द्वारा डाउट करते हुए लोगों ने बताया, तो मैं क्लिनिक में इसके अंदर आई और मैंने चेक किया तो यहाँ पर साइकोट्रोपिक दवाइयाँ रखी गई हैं, पाई गई हैं, किंतु यहाँ पर जो लड़का मौजूद है उसका कहना है कि ये क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। फिलहाल मेरे द्वारा दवाइयों को अपने कब्जे में लिया है और जो कि लगभग 200 दवाइयाँ हैं जिसमें अल्प्राजुलाम और ट्रामाडोल है और इसे 10 दिन का मैं टाइम दे रही हूँ कि ये अपना जो है डॉक्टरी से। अगली खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग अस्पताल में दो विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले हो गए हैं, जिसके बाद डॉक्टरों के स्थानांतरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका, जिसके बाद ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, ये जनता के साथ खिलवाड़ तो नहीं है और अगर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं भेजे गए तो आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। कर्णप्रयाग के अस्पताल में जो सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उससे पहले चार दिन पहले जो यहाँ डेंटल सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के अस्पताल में फिजिशियन नहीं, बच्चों के डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो एक तरह से इस प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हम ये मांग करते हैं कि अस्पताल में तुरंत ट्रांसफ़र अगर कोई रूटीन प्रक्रिया है तो डॉक्टरों की जगह विशेषज्ञ डॉक्टर अपॉइंट किए जाएं और ऐसा नहीं होगा तो ये लड़ाई फिर आगे भी चलेगी। इतना देर नहीं है, मैं स्वयं सेवक हूँ। ऐसा कि मुझे ये चाहिए कि मुझे डॉक्टर स्थान होना कोई वो नहीं है, पर मुझे डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर चाहिए। मेरा कहना यही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर स्टाफ है पहले से रोज हर वक्त ऐसे हो रहा है कि हमारे यहाँ हर वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है, डॉक्टरों क्यों हो रहा है। मुझे मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को अवगत कराना है कि यहाँ के डॉक्टरों का ट्रांसफर न किया जाए, अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसी जगह पर डॉक्टर दिए जाएं, नहीं देने पर हम पूर्ण रूप से सम्मोह करेंगे, हड़ताल करेंगे। नई टिहरी में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने और केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड जन एकता पार्टी के पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राष्ट्रीय सेवक संघ का अनिश्चितकालीन चल रहे धरने पर अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी मांगे जायज हैं, इनको भी सुनना चाहिए। जहां सरकार या उनका प्रतिनिधि होना चाहिए जो एमएलए के रूप में प्रतिनिधि कर सके, यह सब संवेदनहीन उनकी सोच है। यह व्यापारिक पहलू है, इनको अध्ययन करना चाहिए, जो इनकी मांगे हैं वो जायज हैं। आगे उन्होंने कहा कि कई के पास तीन तीन पटवारी क्षेत्र है, संसाधन इनके पास कुछ और नहीं है, किस प्रकार से यह लोग ड्यूटी कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। यह जायज है जो इनका कहना है, कोई इनकी सुनने वाला भी तो होना चाहिए। ये सरकार और जो सरकार में प्रतिनिधि है, जो एमएलए रूप में जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सब लोग संवेदनहीन इनकी जो सोच है, ये जो व्यवहारिक पहलू है इनका, इनको अध्ययन करना चाहिए और जो इनकी मांग है, जो इनकी बातें हैं सब जायज़ है, इनकी बात सुननी चाहिए। किसी के पास तीन तीन पटवारी क्षेत्र का इन पे है लेकिन संसाधन और इनके पास कुछ नहीं है और ये किस ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है, सरकार को देखना चाहिए। और चूँकि इस समय जब सरकार ने पिटारा खोला है तो इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों पर भी गौर करना चाहिए सरकार को। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार को सद्बुद्धि आए और इनकी बात को सुने। हम जो है अपनी मांग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन जो हमारी हड़ताल है हम डटे रहेंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, तालाबंदी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो महासंघ का आह्वान होगा उसके अनुसार आगे बढ़ते चलेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। यह जायज है।
वहीं चमोली में नए साल के जश्न को मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली स्थित जिले के तमाम पर्यटक स्थलों पर पहुंच चुके हैं। कोरोना संक्रमण से उभरे होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। औली और जोशीमठ सहित कई होटल 15 जनवरी तक बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ बेनीताल सहित तमाम पर्यटन स्थल जो है वो इस वक्त गुलजार है। साल को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो औली जोशीमठ चौपता वाले क्षेत्रों में जो है उनका आगमन हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को सभी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हमारे जितने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं और वहाँ पर लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। नशे का सेवन करके जो वाहन चलाने वाले हैं या ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नाइट कर्फ्यू के संबंध में जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा आए हैं 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक उसको पुलिस के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा रहा है। जगह जगह जो है हमारे थाना प्रभारियों द्वारा लोगों को इस संबंध में अवेयर भी किया जा रहा है और जहां जो है जिनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं चंपावत के टनकपुर में कोतवाली भी साइबर सेल की शाखा का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और एसपी देवेंद्र पिंचा ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि लगातार बढ़ते साइबर अपराधों और जनता की मांग को देखते हुए जिले के एसपी देवेंद्र पिंचा ने उनसे साइबर कार्यालय खोलने की बात कही थी और अब टनकपुर में साइबर सेल कार्यालय खुलने से क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इन दिनों साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और टनकपुर में कई बार लोग ऑनलाइन ठगी का भी शिकार हुए हैं। ऐसे में टनकपुर में साइबर सेल कार्यालय खोलने से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। अगली खबर बाजपुर से है, जहां पर फायरिंग प्रकरण में 3 आरोपियों फरार चल रहे थे, जिनकी न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा कर की मशीन को परमिशन को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रजपाल ने 82 सीआरपीसी के कार्रवाई उनके घर के गेट पर चस्पा की। आपको बता दें कि ग्राम रेहटा में 24 दिसंबर को खनन के डंपर को खाली कराने को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें जसविंदर सिंह गिल के पक्ष में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो जेल में है। नोटिस के साथ साथ उद्घोषणा है, एक प्रोसीजर है, नॉन अवेलेबल वारंट लिया गया पहले इस केस में, उसके बाद 82 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अभियुक्त जो फरार हैं, लगातार फरार हैं, इन अभियुक्त गणों के जो रेजिडेंस है उस पर चस्पा की जा की गई है। अभी अभी सर नामजद 3 हैं, तीनों आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय से आदेश का प्राप्त की गई है 82 सीआरपीसी की। इसके बाद 83 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ये समस्त जो भी चलाचल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, उसकी उसको कुर्क किया जाएगा। वहीं अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पति और प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और समस्त ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पति व प्रतिनिधि सुरेश गंगवार ने सितारगंज के ग्राम भिटौरा में कई घोषणाएं की, जिसमें ग्राम भिटौरा में ईदगाह की 4 दीवारी साथ ही लगभग 320 मीटर की सीसी मार्ग की भी घोषणा की गई है। वहीं डॉक्टर सुरेश गंगवार ने आने वाले चुनाव में जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र है, विकास से बहुत ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, जो विकास होने थे विकास नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी, ये सितारगंज क्षेत्र चंडीगढ़ के रूप में विकसित दिखाई देगा। ये तो ग्राम भिटौरा से लगभग 100% सभी मुसलमान भाइयों का हमेशा से प्यार रहा है सुरेश भाई के लिए, पहले भी और आज भी तय दिल से सब मुसलमान भाई सुरेश भाई के साथ हैं। भाई को यहाँ से और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।